हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कौशिक ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम करेंगे टॉपिक परसेंटेज का, हम पार्ट वन आज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से समझेंगे परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसको बेसिक क्वेश्चंस में हम कैसे लगाते हैं, फिर हायर लेवल के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। आइए चलते शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का जो मीनिंग है वो होता है परसेंट यानी कि वैल्यू ऑफ वन इन हंड्रेड। ठीक है, परसेंट, सेंट मीन्स हंड्रेड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स परसेंट ऑफ वाई तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको एक्स परसेंट निकालना है किसका। अगर वाई का निकालना है तो वाई को आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हंड्रेड। ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ वाई मीन्स एक्स बाई हंड्रेड इंटू वाई। एक्स परसेंट हटाएंगे तो नीचे हंड्रेड लगाएंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड फाइव। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे किसी का भी परसेंटेज आपसे पूछ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे 20% ऑफ 400 फाइंड आउट करके देखते हैं। 20% का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हंड्रेड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 400। 400 का 20% हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 20 इंटू में 4 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 80%। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप परसेंट निकालते हैं। हम जब बचपन में हम अपना रिजल्ट देखते थे उसमें हमारे कुछ मार्क्स आते थे। ठीक है, तो उन मार्क्स को जैसे 450 मार्क्स आए मान लो 500 में से, तो उन मार्क्स को हम ऊपर रखते थे और टोटल को नीचे रखते थे। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, चलिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1000। ओके, 10,000 दिया गया है मान लो। इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, किसी भी चीज का आप यहाँ पे अगर 10% निकालते हैं ना, तो सिंपल तरीका है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1000 आएगा इसका। इसका 10% हमने निकाला, कितना आया 1000। अगर मैं इसका 1% निकालूं तो आपकी बार 100 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो दो जीरो इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 100। अगर मैं इसको 0.1% फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, आपकी बार 1000 से डिवाइड करेंगे हम, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10। अगर मैं इधर परसेंटेज को टोटल करती हूँ, 10 + 1 + 0.1 यानी 11.1% किसके इक्वल आ रही है यहाँ पे 1110। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको 11.1% निकालना है मान लो किसी भी नंबर का, 11.1% अगर फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, तो आप कैसे करेंगे, तो आप 11 को मल्टीप्लाई नहीं करने बैठेंगे वहां पे। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे 10 + 1 + 0.1 में, बिकॉज 10% निकालना इजी होता है किसी भी नंबर का। अगर हम 10% निकालते हैं, सिंपल है, कोई भी नंबर है जैसे 500 है, इसका 10% सेंट जाएगा डिवाइड में। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, यानी कि 50 आ गया। 500 हमारा नंबर था, एक जीरो कैंसिल हो गई, यानी कि 50 आ गया। तो 10% किसी भी संख्या का हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ परसेंटेज की वैल्यूज हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक वैल्यूज है वो आप सभी को लर्न होनी चाहिए परसेंटेज की। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन कितना परसेंट आएगा वो दे रखा है कि मान लो 50% है हमारे पास। ठीक है, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। कैसे आएगी 50% की वैल्यू 1/2, 50% हटाने के लिए डिवाइड में 100 करेंगे। जब भी हमें परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है आप 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 पे कैंसिल होएगा, ये 2 पे कैंसिल होएगा, यानी कि 1/2 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मान लो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन हमने मानी 1/4, हमने फ्रैक्शन ले ली, इसमें कितनी परसेंट है, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कैंसिल होगा 25, यानी कि 1/4 जो है वो 25% के इक्वल है। देखिए आप, ठीक है, 25% के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे दो चीजें समझी,
कि अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो हमें 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है उस नंबर को, और अगर मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो हमें 100 से उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये दो चीजें बेसिक है, ये आप याद रखेंगे और इस टेबल को चार्ट बना के अपने जो स्टडी रूम है उसमें लगा लीजिए उसकी वॉल पे, ठीक है, और डेली उसको आप रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33.33%, 1/4 इज 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, 1/8 इज 12.5%, 1/9 11 होल 1/9। देखिए जो 1/9 और 1/11 है इन दोनों में रिलेशन है, क्या है, ये सेम है, बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। 1/9 करेंगे तो 11 होल 1/9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर 1/11 करें तो 1/11 तो आएगा ही, बस यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और 10% यानी 1/10, 12% 1/12 यानी कि 8 होल 1/3%, 1/13 7 होल 9/13%, 1/14 7 होल 1/7, 1/15 6 होल 2/3, 1/16 6 होल 1/4, इसी तरीके से आप 1/20 तक करेंगे और ये 5%। तो ये पूरी टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे जो भी हमने सीखा है। किसी भी संख्या का परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो क्वेश्चन की हेल्प से हम इजीली उस चीज को समझ पाएंगे, कंसेप्ट भी समझाएंगे साथ। देखिए 26% ऑफ ए इज 832, ठीक है, ए का 26% दे रखा है 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए, तो जिसकी वैल्यू हमें दी गई है आप उसको रखेंगे ऊपर। 832 किसकी वैल्यू दी गई है, 26% की, ठीक है, 26% की, निकालनी किसकी हमें, 31% की, बस शॉर्टकट तरीका इसका यही है, डायरेक्ट आप पुट कर देंगे, ये नहीं करेंगे 26/100 इंटू दिस निकालेंगे पहले फिर उसका 31% निकालेंगे, आप डायरेक्ट कीजिए ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है आंसर, 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें 4, 1 और ये 6 आएगा, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। ये 3 पे कैंसिल हो रहा है और फिर 2 पे कैंसिल हो रहा है, यानी कि हमें मिला है 32 इंटू में 31। देखो अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में 2 की और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करते तो लास्ट डिजिट हमारी 2 आनी चाहिए, तो पूरे ऑप्शंस हमने चेक कर लिए लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो केवल एक ही ऑप्शन में है 2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी इनके मल्टीप्लाई आप करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप आंसर टिक लगाएंगे पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो उसमें टाइम कम रहता है हमारा करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था हमारा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए अगर 95% है, देखिए ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के 95%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ऑफ यानी कि बी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, बी का है। अब हम क्या करते हैं, एक ए और बी का कंपैरिजन करना है ना हमें, तो ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, ए डिवाइडेड बाई बी हमारा कितना आ रहा है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 9 और 2 3, यानी कि 19/20 जो है इसका फ्रैक्शन आ गया। अब हमें बताना क्या, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी का कंपैरिजन करना है ए से, तो बी की वैल्यू बतानी है कि वो ए का कितना परसेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और a की वैल्यू को नीचे रखेंगे, तो b के सामने b की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू है 19, तो यानी कि 20/19, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंट आ जाएगी आपके पास,
आंसर आया यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाई कितना मिला है 90। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, देखिए 105.5 by 19%, 108.17 by 19%। आप इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको करके साइड में, ठीक है। देखो आप 2000 को 19 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, और अगर डिवाइड भी नहीं करना चाहते, मान लो कि ये ज्यादा लेंथी लग रहा है, तो आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या है हमारी, जीरो है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको सोल्व करके लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो किसकी आ रही है, तो आप जीरो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में 3 किया तो 3 आई, यानी इसकी यूनिट डिजिट जो है वो है 3। इसकी देखते हैं 4 × 9 = 36, 36 में 7 ऐड करेंगे तो 43, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट डिजिट 3 आएगी। अब यहाँ पे 8 × 9 किया 72 प्लस में 7 किया 79, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। 5 × 9 = 45, 45 में 5 ऐड करेंगे यानी कि 50, इसकी यूनिट डिजिट आ रही है 0। तो यानी ये जो है ये हमारा 105 whole 5 by 19, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 105 whole 5 by 19%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्लियर। चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, ठीक है। हमें 180 के 15% में क्या ऐड करें कि जो सम है वो 360 बन के आए। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप सबसे पहले तो आप परसेंटेज निकालना सीखिए। यहाँ पे 15% हमें बताना है इसका 180 का, ऑफ 180। तो इसको आप दो वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप करेंगे 15/100 × 180 और इस लंबी सी कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम शॉर्टकट तरीका देखें तो 15% का मतलब क्या होता है कि 10% प्लस में 5%, ये हम लिख सकते हैं। तो 10% किसी भी नंबर का निकालना हमें आता है, अगर 180 का हम 10% फाइंड आउट करें तो 18 आएगा, यानी 10 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर 10% की वैल्यू 18 है तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो 15% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे ऐड करेंगे कितना आएगा, 27। तो 15% जो है 180 का वो 27 है हमारे पास। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, देखिए व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180। तो पहले 15% ऑफ 180 हमारा कितना आया, अभी अभी देखा हमने 27 आया। इसमें हम क्या ऐड करें, ठीक है, क्या ऐड करें हम कि हमें जो सम है वो इसके इक्वल मिलेगा 20% ऑफ 360। अब 360 का आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो दो वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप 20/100 × में ये 360 करें, ये 5 पे कैंसिल, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 72 पे कैंसिल, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सेकंड वे क्या है हमारा, 360 है ना, 360 20% को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10% लिख सकते हैं ना। तो इसका 10% क्या आएगा, 36 आएगा। तो दोबारा 10% निकालेंगे वो भी 36 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 72 आएगा। चलिए जितना इजीली आप 10% से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं उससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको अगर 10% निकालना इजी हो रहा है, यानी जीरो आ रही है लास्ट में, तो आप डायरेक्ट 10% के कंसेप्ट से चलेंगे। ये किसके इक्वल आ रहा है, 20% ऑफ 360। अभी अभी हमने देखा कितना आया, वो 72 आया। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 72 माइनस में 27, ये 5 आ गया, और यहाँ पे 4, यानी कि 45 x की वैल्यू है आपकी। 45 अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये 72 बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 4।
इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70। यानी पहले हमने कोई नंबर लिया, इसका पहले हमने 30% निकाला, ठीक है, और 40% निकाला, तो जो भी वैल्यू आई है उसको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हमने इस नंबर का कितना परसेंट निकाला भाई, 70% ही तो निकाला इस नंबर का। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 70% बन के आएगा ये, तो यानी कि इस नंबर का हमने 70% निकाला होगा। अब क्या कह रहा है, ऑफ द सेम नंबर इज 70, ये कह रहा है 70% की वैल्यू है 70, देन द नंबर इज, तो नंबर अपने आप में तो 100% है ना, उसमें से ही तो हम उसका 30 और 40% निकाल रहे हैं, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, 70% की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए, अगर जिसकी वैल्यू दे रखी है वो हम ऊपर रखते हैं, 70 किसकी वैल्यू, देखो ये वैल्यू यहाँ दे रखी है, 70% की वैल्यू भी 70 ही है, तो आप यहाँ पे 70% को डिवाइड में रखेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, जिसकी गिवन है उसको नीचे रखेंगे, और जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको आप मल्टीप्लाई में रखेंगे। नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। नंबर अपने आप में तो 100% है, 70 से 70 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 100, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 100 इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज 16.66%। देखो मैंने अभी अभी आपको एक टेबल दिखाई थी, इसमें उसमें भी 16.66% किसी की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ठीक है, देखिए यहाँ पे 16.66% हमारी 1/6 की वैल्यू होती है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, उसमें उसकी वैल्यू 16 होल 2/3 भी लिखी हुई है, और 16.66 ये दोनों ही इक्वल है, तो ये 1/6 की वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1/6 है, 1/6 रख सकते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 12.5%, यानी 12 होल 1/2 ये होती है 1/8 की वैल्यू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30%, 30% 30/100, किसी को भी अगर परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ 640, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और नंबर दे रखा है 640, जो जो क्वेश्चन ने बोला है वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हो, बट ये पॉइंट वाली फ्रैक्शन जो है कि आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है 1 से लेकर 20 तक आप जरूर याद रखते हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं हम, 4 से अगर इसको कैंसिल करते हैं 2 पे और ये 16 पे 160, ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, दोनों ऊपर की दोनों नीचे वाले दोनों से कैंसिल हो गई, और ये और भी कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 पे, ठीक है, यानी ये 24 आया, बाई में कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचा है, 24/6 यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर, 6 4 20, ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो कितने भी फ्रैक्शंस, कितने भी परसेंटेज आपको एक साथ दे रखे हो आप बड़ी इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको उनके परसेंटेज लर्न है तो अच्छे से, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ के, इफ के इज 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ ए। देखिए पहले तो हम 30% ऑफ ए ये लिख लेते हैं, 30% यानी कि 100 आएगा नीचे, ऑफ ए किसके इक्वल है भाई, 50% ऑफ के, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, तो डायरेक्ट यहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 पे कैंसिल, 2 से ये 36 पे कैंसिल, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू 15% होती, तो ये 30% ऑफ ए अगर 36 है, तो अगर आप इधर 15% निकाल रहे हो ए का, 15% ऑफ ए कितना आएगा
अगर ये परसेंटेज हाफ हुआ है तो वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है आंसर आपका 18, 18 × 36, ठीक है। ये परसेंटेज इसके हाफ हो रही है, ये भी हाफ हो जाएगी, ये तो कोइंसिडेंटल रिलेशन बन गया, वरना हमें अलग से फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू, अगर पी का 20% हम ऐड कर देते हैं क्यू के 40%, तो जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर है वो उनके क्वेश्चन पे ही छुपा हुआ होता है, जितनी बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे पढ़ेंगे उतना ही आप आंसर को समझ पाएंगे जल्दी। 40% ऑफ क्यू में अगर हमने 20% ऑफ पी ऐड कर दिया है तो ये क्या बन जाता है, देन द रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ क्यू, 80% ऑफ क्यू। तो अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगी माइनस में हो जाएगा ये, तो यानी 20% ऑफ पी किसके इक्वल आ गया भाई, 80 माइनस 40 करेंगे तो 40% ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। बताना क्या है, पी इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू, तो पी और क्यू का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। देखो 20 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 पे कैंसिल हो गया, क्यू को इधर डिनोमिनेटर में ले आए, यहाँ पे बचा 2, इधर बचा 1, ठीक है। तो जो P है वो डबल है Q का, P की वैल्यू बतानी है ना, P कितने परसेंट होगा Q का, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट बस, तो कितना आ गया ये 200%। P की वैल्यू बतानी तो P को ऊपर रखेंगे, Q की वैल्यू बतानी तो Q को ऊपर रखेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है 200%, 200% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम का अगर हम 20% निकालते हैं तो वो बी की इनकम के 10% के इक्वल है, तो ए की इनकम अगर ये है देन व्हाट इज बीज इनकम, ठीक है, तो बी की इनकम क्या होगी देखिए। सबसे पहले तो ए की इनकम हमारे दे रखी है 2550, ठीक है। देखिए तो आप कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ए की इनकम हमारी 2550 है, उसका 20% इसके 10% के इक्वल है, तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले आप इसका 20% निकालिए, तो 20% हम निकाल सकते हैं 2 × 10% निकाल सकते हैं, तो किसी भी नंबर का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो यानी कि 2 × 10% क्या आएगा इसका 255, ठीक है, वैल्यू आ गई 510, ठीक है 510 आई है, 20% ऑफ ए आया है 510, ये किसके इक्वल है भाई 10% ऑफ बी जीरो, तो आप इसको 10% के इक्वल 510 जो हमें मिला है वो किसके इक्वल है 10% यानी कि 500 ऑफ बी की इनकम, ये बी की ओरिजिनल इनकम, तो जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देंगे, ये जीरो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी की इनकम है 5100 रुपए। तो एक तो ये तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, अगर आप दूसरे तरीके से यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही आप लिखते जाइए, देखते हैं उसमें आप कैसे सोल्व करते हैं। तो 20% ऑफ ए, ए की इनकम का 20% किसके इक्वल है 10% ऑफ बी की इनकम, ठीक है। तो यहां से 10 से अगर 20% को कैंसिल करते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए की इनकम कितनी है यहाँ पे 2550, तो जो बी की इनकम है वो ए की डबल हो गई, ठीक है। तो इसका डबल करेंगे तो 5100 रुपए ही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप एक स्टेप में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को, ठीक है, टाइम उतना ही कम लगता जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा।
देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:4। अब तीन रेशियो दे रखे हैं हमारे पास ए बी सी के, इनकी जो सैलरी है उनका रेशियो गिवन है 2:3:4। इफ इंक्रीमेंट्स ऑफ 30%, 20% एंड 10% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली देयर सैलरीज, इसमें हमने कितने का 30% का इंक्रीमेंट किया, ठीक है, इसमें इसकी सैलरी में हमने 20% का इंक्रीमेंट किया और इसके में हमने 10% का इंक्रीमेंट किया है, तो न्यू सैलरीज कुछ ना कुछ बन के आएंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो देयर न्यू सैलरी, अब जो उनकी सैलरी हो गई है उनका क्या रेशियो आएगा, ठीक है, तो नई वाली सैलरी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल हम सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है 2:3:4 इसको बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इनका 20%, 30% और 10% फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको हमने रेशियो को पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये मान लीजिए, क्योंकि 100 इनमें अगर कॉमन होगा तो कैंसिल हो जाएगा और सेम रेशियो रहेगा 2:3:4 ही रहेगा, तो ये केवल हमने अपने मतलब सुविधा के अनुसार किए, ठीक है। तो देखो अब 200 में कितना इंक्रीज करना है 30%, तो 200 का 10% कितना होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 10% अगर 20 है तो 30% कितना होगा 60, यानी कि जो न्यू वैल्यू इसकी आएगी इंक्रीज करने के बाद 30% वो आएगी 206, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन हमने देखो यहाँ पे 10% से ही कितने इजी कैलकुलेशन कर लिए हैं, अब इसका 20% निकालना है तो इसको यानी कि दो बार इसका 10% निकालना पड़ेगा, एक बार 10% निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 30, तो 20% कितना हो गया इसका 60, ठीक है ना, 20% क्या हो जाएगा 60, यानी ये आया 360। अब इसका हमें निकालना 10%, तो इसका 10% तो 40 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब ये नई सैलरीज आ गई हमारे पास, आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो 0:0 सबकी कैंसिल हो गई, 40 उसके इंक्रीज किया है तो 440 उसकी नई सैलरी, ठीक है, 0:0 कैंसिल, इससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे 13 पे, ये 18 पे और ये 22 पे, ठीक है, 2 से अगर कैंसिल करते हैं इनको यानी 13, 18, 22, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने सोल्व करना है, जो भी बोल रहा है परसेंटेज चाहे कुछ भी दे रखो, अगर उसको आप 10% में तोड़ के कर रहे हो ना, सबसे आसान है किसी भी चीज का अगर आप 10% निकालते हो, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी उस नंबर का अगर 10% निकालना तो उसको 10 से भाग कर दो, बस डिवाइड कर दो उसको 10, ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये 10% फाइंड आउट करने का, और 10% से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 30% निकालना है उसका 3 गुना कर दो, 20% निकालना है तो 10 कर दो गुना कर दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ राम्स इनकम एक्सीड श्याम्स इनकम बाय 70% एंड श्याम्स इनकम इज लेस देन सोहन्स इनकम बाय 30%, then find the ratio of Ram and Shyam's income. तो इनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए राम की इनकम श्याम की इनकम से 70% ज्यादा है, यहाँ राम लिया हमने, यहाँ पे श्याम लिया और यहाँ पे लिया सोहन, ठीक है, सोहन और ये श्याम, ये हो गया राम। क्या कह रहे हैं कि श्याम की इनकम 70% ज्यादा है, यानी कि ये प्लस में 70% है, ठीक है, राम की इनकम ज्यादा हुई इससे 70% बढ़ाइए, श्याम की इनकम इज लेस देन सोहन इनकम बाई 30%, तो इसकी इनकम से 30% कम है, तो अगर मुझे इसकी इनकम पता हो तो इसमें 30% लेस करके इसकी इनकम आ जाएगी और उसमें 70% ऐड करके इसकी इनकम आ जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो देखिए
हम क्या करते हैं, सोहन की ही इनकम हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे इजी वैल्यू होती है परसेंटेज में मानने की 100। वैसे आप कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट को इजी बनाने के लिए आप 100 मानेंगे, ठीक है। तो अगर सोहन की इनकम 100 रुपए है तो उसका 30% 30 होएगा, तो 100 में से आप 30% को कम कर दीजिए, वो इसकी इनकम है, यानी इसकी इनकम है 70 रुपए, ठीक है। अब इसकी इनकम का 70% ज्यादा है राम की इनकम, ठीक है। तो 70% इसकी इनकम में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो पहले आप इसकी इनकम का 70% निकालिए। 70/100 को श्याम की इनकम कितनी है 70, तो 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, यानी कि 49 आया। तो राम की इनकम 49 रुपए ज्यादा है इसकी श्याम की इनकम से। तो आप देखिए अब कैसे करेंगे इसको हम, अगर श्याम की इनकम 70 रुपए है, राम की इनकम इसमें 49 ऐड करने पे आ जाएगी, तो आप इसमें जब 49 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 190। तो तीनों की इनकम हमारे पास आ चुकी है। अब इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम, इन दोनों का रेशियो पूछा है, राम और श्याम की इनकम का, राम और श्याम की इनकम का पूछा है ना। तो 119:70 आ जाएगी, ठीक है। अगर राम और सोहन का पूछते हैं, ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे सोहन की इनकम आएगी, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें सोहन की इनकम यहाँ पे नजर आ रही है, देखो 119 और 100, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सोहन आ जाएगा, ठीक है। राम और सोहन की इनकम, ये टाइप गलत हो, ठीक है, क्लियर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके परसेंटेज वाले टॉपिक पे। अभी हमने बेसिक से शुरुआत की है, नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।